अच्छा जी, ये हेयर फाइबर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज के छिलके निकाल लिए। प्याज के छिलके निकालने के लिए आपने ये देखना जरूरी है कि प्याज के छिलकों के अंदर कोई काला जो है निशान वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरे। और इसके अलावा मैं अब ये लहसुन के छिलके निकाल तो इससे बेस्ट हेयर फाइबर बन जाता है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कड़ी पत्ता। प्याज और लहसुन के छिलके शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्न के बाल, भुट्टे के बाद जिसे कहते हैं। तो मैं अभी और निकाल रही हूँ। चलिए, हम कॉर्न के सारे बाल, भुट्टे के सारे बाल इसमें शामिल कर रहे हैं और इसको हमने बिल्कुल ब्लैक कलर दे देना है, बिल्कुल जला देंगे हम इसको। स्लो आंच पर पकाएंगे ताकि ये बाल बिल्कुल इसमें ब्लैक कलर हो जाए, कड़क हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता। इस फाइबर का फ़ायदा ये है कि ये जो है होममेड है और इससे जो है आपको बालों की ग्रोथ में भी इजाफा होगा और जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं है वहाँ पे आप आराम से इसको छिड़क कर जो है वो वॉल्यूमाइजिंग इफेक्ट दे सकते हैं। कड़ी पत्ता, अब इस कड़ी पत्ते को जो है यहाँ पे तोड़ के डाल दे रहे हैं। मैंने इतना सारा कड़ी पत्ता डाला है, तकरीबन 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12 जो है डंडियां हमने इसकी ली है। इसको तवे पे फैला लेंगे, फैलाने के बाद ताकि ये अच्छी तरह जो है वो हमें ब्लैकनेस। तो आप इसको हर कलर का, डार्क ब्राउन कलर का भी बना सकते हैं, लाइट ब्राउन कलर का भी बना सकते हैं और ब्लैक कलर का भी बना सकते हैं। मैं इस वक्त आपको ब्लैक कलर और डार्क ब्राउन कलर बना के दिखाऊंगी। तो ये देखें, हमारे हेयर फाइबर का कलर जो है वो होना शुरू हो गया है। ये मैंने इसको पलट दिया था ऐसे करके, अब ये यहाँ से थोड़ा सा ब्राउन है। ये देखें, सारे पत्ते जो है वो अपना रंग जो है तब्दील करना शुरू कर दिया है। 5 मिनट मैं इसको और रखूँगी और इसके बाद हम इसको ठंडा होने के बाद जो है अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। लास्ट में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रोज़मेरी। मैं तकरीबन पूरी बॉटल ही डाल रही हूँ और ये है कितने ग्राम्स की, ये है अबाउट 10 ग्राम्स की। 10 ग्राम्स को मैंने पूरा शामिल कर लिया है इसमें रोजमेरी लीव्स। इसको भी हम जो है वो टोटली जो है वो ब्लैक कलर का कर लेंगे। लास्ट में शामिल इसलिए किया है कि ये बहुत तेज़ी से अपना रंग चेंज कर देता है। अच्छा, रोज़मेरी के बाद अगर आपको जो है वो ब्लैक कलर चाहिए तो आप इसमें काली पत्ती शामिल कर सकते हैं और अगर आपको ब्राउन कलर चाहिए तो आप इसमें जो है वो कॉफ़ी शामिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा शेड आता है, मैं दोनों जो है वो करके बताऊंगी। मैं अभी यहाँ पे पहले सबसे पहले ब्लैक शेड बना रही हूँ तो साइड में मैं काली पत्ती का 1 चम्मच मैंने ये काली पत्ती ले ली है, 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। इससे भी जो है वो हेयर फॉलिकल बहुत तेज़ी से मोटे होते हैं और ना सिर्फ तेज़ी से मोटे होते हैं हेयर फॉलिकल बल्कि बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ जहाँ आप हेयर फाइबर लगाएंगे उसके ऊपर जब आप स्प्रे करेंगे तो हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी आपको कुछ फील होगी। तो मार्केट वालों से बेहतर है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, आप घर में बनाइए और इस्तेमाल कीजिए, सस्ते का सस्ता है। हार्डली इसकी कॉस्ट जो है अबाउट 200 रुपीज़ होगी, जबकि जो अवेलेबल हैं कंपनीज के वो 4000 रुपीज़ से स्टार्ट है। तो इट्स वेरी ईजी, आप आराम से बनाइए घर में और जो है वो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हेयर ग्रोथ कम है वहाँ पर आप ईजीली जो है इसको छिड़क कर अपने बालों को नया लुक दे सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए 20 मिनट्स पकाने के बाद ऑलमोस्ट जो है इसका कलर सबका ब्लैक हो चुका है और जो है इन द मीन टाइम जो है मैं मैसेजेस रीड कर रही थी तो उसमें जो है बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि सर में खुजली रहती है और जो है स्कैल्प जो है बहुत ऑयली रहता है। तो लास्ट में मैंने उस कंडीशन के लिए इसमें मेथी दाना 1 चम्मच और सौंफ के 2 चम्मच शामिल किए हैं। तो इससे जो है वो ठंडक पड़ती है और जो स्कैल्प में पसीना आता है वो भी कंट्रोल हो जाता है और एक जो है वो ठंडी ठंडी सेंसेशन आती है।
इसलिए हम इसको भी जो है वो इसके साथ मिक्स कर लेंगे। इसका जैसे ही कलर चेंज होगा और फिर हम इन सब चीज़ों को जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे, ग्राइंडर में। पूरा ये इस तरह ड्राई हो चुका है, डाल के हम अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। कंपनी का केराटिन मास्क है, आप इसका टेक्सचर देखें, ये है ऐसा, और ये है हमारा घर का होममेड। बताइए, जो बिल्कुल भी, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, और बारीक करना चाहे आप और बारीक कर सकते हैं बालों में जाकर। ये देख सकते हैं, इसका भी ऐसे ही टेक्सचर आ रहा है और इसका भी वैसे ही टेक्सचर आ रहा है। ये देख, जबरदस्त सा बन गया। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, फॉलो करना नहीं भूलिए, और जो है शेयर करना नहीं भूलिए, ताकि आपके साथ साथ जो है वो दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर जो है ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियोज़ आने वाली हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।